Welcome to my channel. Now, today's topic is meiosis. Meiosis to hai. But yesterday, in the previous video, we had studied litotene, zygotene, pachytene, diplotene and dikinesis. What are these? These are the phases of prophase 1. Let me write here, prophase 1. These all are the phases of prophase 1, and what we had studied here, litotene, condensation of the chromosome takes place. Condensation ho jayega chromosome ka, sirf chromosome thick hone lagenge, na pass a jayenge, kareeb a jayenge, aur thoda hume appear hone lagenge, na. Uske baad humne dekha tha ki ye pair lag jayegi, किसकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की. होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, एक पेरेंट मम्मी का होता है, एक फादर का होता है और वो पेयर बनाता है. सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो साथ में लग जाते हैं, जोड़ी लग बन जाती है, दैट पेयर इज कॉल्ड एज वी कैन से दैट होमोलोगस क्रोमोसोम्स. एंड दिस वॉज द जायगोटीन फेज. ये जायगोटीन था. फिर पैचिटीन. पैचिटीन में क्या पढ़ा था हमने, ये मैं शॉर्ट में ले रही हूँ. मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो आपको इस मैंने इसे काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है, आप उसे भी देख सकते हो ताकि आपका और क्लियर हो जाए. अभी ये शॉर्ट में हमें मियोसिस पढ़ना है इसलिए मैं पहले इसका थोड़ा याद दिला दे रही हूँ आपको. ओके, सो पैचिटीन में हमने देखा था कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा था. क्रॉसिंग ओवर क्या था, याद आ रहा है कुछ, कि जब दो क्रोमोजोम होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पास आते हैं और इसका थोड़ा हिस्सा इसमें चले जाएगा, इसका थोड़ा हिस्सा इसमें चले जाएगा. ये मैंने आपको बताया था, दैट वॉज क्रॉसिंग ओवर. मतलब ये पैचिटीन की स्टेज में होने वाला है, चाइज्मा अपेयर होने वाला है. चाइज्मा क्या था, वो जब जुड़े रहते हैं तो उस स्टेज को उससे हम चाइज्मा कहते हैं, उस प्लेस को हम चाइज्मा कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे थे डिप्लोटीन में. डिप्लोटीन में हमने देखा कि वो थोड़ा सा सेपरेट हो गए थे, ये दोनों भी सेपरेट हो गए थे, बस चाइज्मा की प्लेस पर वो अटैच थे. आपको यहाँ दिख रहा है, ये अटैचमेंट दिख रहा है, क्लियर. उसके बाद हमने देखा था यहाँ कि ये पूरी तरीके से सेपरेट थे और स्पिंडल फाइबर डेवलप हो गए थे. ये कौन सी फेज था, डाइकाइनेसिस का फेज था, क्लियर. इसमें ये दोनों भी सेपरेट हो चुके थे, क्रॉसिंग ओवर पूरी तरीके से हो गया था. एक और था वहाँ के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया था. यहाँ मैंने बनाया नहीं है, एंड हियर स्टार्ट टू डिसअपियर. सो यहाँ पर पूरी तरीके से हमें वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं नजर आ रहा था एंड न्यूक्लियोलस भी नजर नहीं आ रहा था. मतलब अब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर भी डेवलप हो गए थे आगे उन्हें सेपरेट करने के लिए. उसके बाद था हमारा ये मियोसिस का टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं. मतलब ये प्रोफेज वन है, अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन. उसके बाद पढ़ेंगे प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू, और तब होगा ये मियोसिस का टॉपिक पूरा कंप्लीट. अब हम यहाँ जाएंगे, आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्या हो रहा है. देखो आपको एक मेटाफेज वन में हमें क्या दिखेगा, मैंने यहाँ पर वर्टिकल बनाया या हॉरिजेंटल शो किया है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे. ये इस तरीके से समझाने के लिए बताया जाता है, वो जिस भी तरीके से होता होगा अंदर, बट यहाँ हमें समझाने के लिए ये ज़्यादा बेटर पड़ रहा है तो इस तरीके से मैंने अरेंज किया है. आप भी अपने पेपर में राइटिंग करते समय पे इस तरीके से अरेंज करेंगे तो आपको खुद को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं इसको अभी सेपरेट कैसे करूँ. ठीक है, इसे अगर सेपरेट करना है तो हम इस तरीके से सेपरेट करेंगे और इसे अगर सेपरेट करना है तो मुझे इस तरीके से सेपरेट करना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इक्वेटर पे आ गए हैं, बीच में आ गए हैं, देख रहे हो आप, सेंटर में दिख रहे हैं हमें वो, तो वो सेंटर में आ गए. क्यों सेंटर में आ गए, अब इनकी पोजीशन ले ली इन्होंने और स्पिंडल फाइबर पूरी तरीके से अपियर, स्पिंडल फाइबर पूरी तरीके से अपियर हो गया है और अब ये रेडी है सेपरेट होने के लिए एट द अपोजिट पोल्स, है ना, ये अब मूव होने के लिए रेडी है. नेक्स्ट टाइम ये केवल मेटाफेज में इतना ही है. नाउ एनाफेज वन, व्हाट हैपेंस इन दिस फेज, तो वी कैन सी दैट दे आर कंप्लीटली सेपरेटेड, है ना, पूरी तरीके से सेपरेट हो चुके हैं, दिख रहा है हमें, और स्पिंडल फाइबर्स जो है उन्हें पूरी तरीके से खींच रहा है. यहाँ उन्होंने खींचा नहीं है, बस अरेंज हो गए थे इक्वेटर पर, और यहाँ पर कैसा है, पूरी तरीके से सेपरेटेड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अब बस दो सेल बनने के बाकी है. तो नेक्स्ट इन टीलोफेज, तो एनाफेज में इतना ही होगा कि वो आधे सेपरेट हो चुके हैं, दे स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. नाउ दिस वन इज एनाफेज, सॉरी टीलोफेज. व्हाट हैपेंस इन दिस फेज, the two cells appear, they are completely separated from each others and the two independent cells are appear, we can see this. Okay, so हमें यहाँ पर पूरी तरीके से दो अलग अलग separated cells दिख रहे हैं जिसमें हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर crossing over हो गया है,
मतलब ये सेल्स कैसे हैं, इनके जैसे नहीं है जो पहला हमने देखा था, मतलब इनके जैसा ये सेल अभी तक तो है नहीं, ये चेंज हो चुका है, थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। अब इन सेल से, अब हमने इतना ही पढ़ा, एक सेल से हमने कहा क्या पढ़ा है, एक सेल था ये वाला, है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सेल से अभी हमने देखा कि दो सेल अपीयर हो गए। अब दो सेल से हमें फोर सेल्स में कन्वर्शन देखना है, जब तक कि फोर सेल्स में ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएंगे तब तक कि हम इसे मियोसिस की कंप्लीट प्रोसेस नहीं बोलेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। मैं इसमें का अगर एक सेल लेती हूँ और इसे ही कंटिन्यू करती हूँ, देखते हैं क्या करना है, पर मैं सोच रही थी कि मैं इसे एक सेल को ही एक्सप्लेन करके बताऊँ तो आप दूसरे सेल का ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, तो देखते हैं कैसा बनाना है, लेट्स सी। ओके नाउ मेटाफेज टू, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू विविल्स। इसके पहले हमने देखा था प्रोफेज वन, प्रोफेज टू, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन। अब हम देख रहे हैं प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। उसमें हमने देखा था कि एक सेल से दो सेल बन चुके थे, अब वही दो सेल है, ये वो पहला वाला जो मैंने यहाँ बनाया था वो वाला सेल ये है, और उसके जो नीचे जो सेल बनाया था वो ये वाला सेल है। ओके तो ये वो दोनों सेल मैंने यहाँ ला के रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म क्या होगा, क्रोमोसोम अपने आप को सेट कर लेंगे, ठीक है, जैसे शेप में आप देख सकते हो कि इसके प्रीवियस शेप में कैसे दिख रहे थे और अब कैसे हैं, तो वो अपने आप को सेट कर लेंगे, और जो स्पिंडल फाइबर से जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट पोल पे मूव करने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा, है ना, मूव करना, ये दिख रहा है आपको, यहाँ था वो उस फेज में, अब वो थोड़ा साइड में जाने के लिए रेडी हो चुका है, जाने वाला है पोल्स पे, ठीक है, इतना ही होगा प्रोफेज टू में। फिर क्या होने वाला है, तो ये सेंटर में अपीयर हो जाएंगी, जैसा मेटाफेज में होता है बस सेम वही प्रोसेस यहाँ होने वाली है, इट इज सेम एज मेटाफेज। तो ये जो क्रोमोसोम है ये सेंटर में अपीयर हो जाएंगे, ये जो क्रोमोसोम है ये भी सेंटर में अपीयर हो जाएगी, है ना, इसी सेल का ऐसा बनने वाला है, इसी सेल का ट्रांसफॉर्म इस तरीके से होने वाला है। अब स्पिंडल फाइबर पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है और उन्हें अपोजिट पोल्स की तरफ पुल करने के लिए रेडी है। ओके इसके बाद ये था मेटाफेज टू, इसके बाद क्या होने वाला है, तो वी कैन सी दिस, दिस टू क्रोमोसोम्स आर अपीयर टू सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, है ना, इस तरीके से अपीयर हो रहा है कि वो सेपरेट होने वाले हैं, तो ये सेपरेट होने के लिए रेडी है, अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में हो जाएंगे, पर वो फेज कौन सा है, टीलोफेज है, पर यहाँ पर अब वो रेडी है, पूरी तरीके से खींच चुके हैं, इतने हिस्से को इसने खींच लिया है, इतने हिस्से को, ये हिस्से को इसने खींच लिया है, ये नीचे के जो थे उनको इसने खींच लिया है, तो ऐसे दिखने लगे। ओके उसके बाद है लास्ट, ये पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएगी यहां से, है ना, इस तरीके से, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर हो जाएगा। तो आपको यहां नहीं मुझे बनाना है, ये आपको सिखाने के लिए ना। ओके तो ये पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएगी, और एक सेल से, मतलब एक सेल से अब ये दो सेल और एक और सेल जो था उससे ये दो सेल, तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4, ये फोर हैप्लॉइड से पहला यहाँ से शुरुआत की थी हमने, एक सेल से आप कितने सेल बने हैं, देखो 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ, मियोसिस का कंप्लीट प्रोसेस, और इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, टीलोफेज। यहाँ पर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी और फोर सेल्स जो है अपीयर हो जाएंगे, फोर सेल्स आपको ध्यान में रखना है, ये टू सेल्स कहाँ से आए वो भी ध्यान में रखना है, ये आए हैं टीलोफेज से, आए टीलोफेज वन से आए, जहाँ पर टू सेल्स बने थे, और वो टू सेल्स से हमने आगे प्रोसेस देखा, तो टू सेल्स के क्या बन गए, फोर सेल्स बन गए, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था मियोसिस का। इसमें अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी, और मैं देख रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स है अभी भी, जैसे मेरे पास अपडेट होता है उस अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट्स वीडियो को चला रहे हैं, पूरा देख नहीं रहे, कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वीडियो को पूरा चलाओ, इससे ना मेरा प्रॉफिट है ना आपका प्रॉफिट है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका तो खैर प्रॉफिट है बोलना, बट मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा चलाओगे आधा चलाओगे जिससे मेरा नुकसान हो जाएगा, बट आपको ये वीडियो जब पूरा चलाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और एक बार में ही उसे क्लियर करो, फिर उसे बार बार चलाओ, पर पहली बार में आधा अधूरा समझते हो और फिर उसे बोर हो गया सोच के बंद कर देती हूँ, तो ऐसा
मत करो। दूसरा, आप लाइक जरूर करना, इसीलिए लाइक करना कि इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं ना मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं और मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करूँ। अभी मैं बहुत जल्दबाजी में वीडियो बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस बहुत पीछे है और अब मुझे उन्हें पढ़ाना है, तो ये जरिया है मेरा पढ़ाने का, इसीलिए अब मैं थोड़ा पीछे पीछे चल रही हूँ। बट हो सकता है कि आपके अप्रिसिएशन से मेरी स्पीड बढ़ जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।